हे ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स. होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ. तो वेलकम टू न्यू व्लॉग. तो यहाँ पे दो दिन, मतलब पिछले कुछ टाइम से मैं जो वीडियोज़ डाल रही हूँ वो व्लॉग काइंड ऑफ व्लॉग, लेकिन वो कुछ आमने सामने वाले आके व्लॉग नहीं है, वैसे वाले डाल रही थी. वो एक्चुअली यहाँ पे काम चला हुआ है कहीं साइड में ना, तो वो मैं फिर प्रॉपर आवाज़ नहीं आ पाती है, तो फिर इसलिए मैं व्लॉग नहीं कर रही थी. बट आज मैंने सोचा कर लेती हूँ. वैसे भी एक जहाँ मैं आप लोगों के साथ ऑलमोस्ट सब कुछ शेयर करती हूँ, तो एक खुशी मेरी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ. और तो बहुत बड़ी, आपने मेरे मुंह से सुना होगा कि मेरी सिस्टर ने ये किया, मेरी सिस्टर ने वो भी ऐसा करती है, मतलब काफ़ी बड़ी मैंने उसका नाम लिया है, लेकिन कभी आपने उसको देखा नहीं है मेरे ब्लॉग्स में. मतलब अभी तक ब्रदर को देखा है, मतलब घर पे जाती हूँ वहाँ पे फंक्शंस हुए सब में देखा आपने, लेकिन उसको कभी नहीं देखा मैंने, उससे कभी नहीं मिलवाया. तो वो एक्चुअली में वो US में रहती है और वो आफ्टर 4 ईयर्स अभी आ रही है. तो बस आज वो आ रही है यहाँ पे मेरे पास. एक्चुअली वो अभी मतलब US से आई है, तो दिल्ली में पहले ब्रदर्स को वहाँ पिकअप करने गया था, तो अब वो यहाँ से जाते हुए मेरे पास रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे. तो बस इसीलिए वो खुशी है मुझे कि मैं अपनी सिस्टर से मिलूंगी आफ्टर 4 ईयर्स. बहुत मज़ा आएगा. वैसे मतलब नॉर्मली रोज़ बात होती है, वीडियो कॉल्स होते हैं, बट एक फिर भी जो मिल के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो वाला नहीं होता है. तो बस वो अलग होता है ना, चाहे थोड़े दिनों के लिए ही मिलो बट वो अलग होता था. इसलिए बस बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत 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 ज़्यादा. और आतिश गया है स्कूल और उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन मुझे लगा कि वो आई मतलब दिन के टाइम तक पहुँचेंगे. यार गर्मी बहुत है, बहुत पसीना आ रहा है. मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ क्योंकि आवाज़ आती है फिर. और वह स्कूल और आदिश को मैंने इसलिए छुट्टी नहीं करवाई बिकॉज ऑलमोस्ट लाइक उन्होंने दिन तक ही पहुंचना है, तो मैं ना तब तक तो वो आ ही जाएगा, तो फिर क्यों एक दिन की वो करना है, एबसेंट होना है एक दिन भी. तो इसलिए बस उसको भेज दिया था स्कूल. वैसे वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सुबह अपने आप ही उठ गया था मेरे बिना उठाए और अपने आप ही नहाने भी चला गया था, तो उसको भी एक्साइटमेंट है अर्श से मिलने की, मेरे नेफ्यू से. तो बहुत मज़ा आने वाला है सीरियसली. तो मैंने उनको ना फ़ोन करके पूछा था कि क्या खाना है तुम लोगों ने, तो उन्होंने मतलब लाइक बोला कि हमें पुलाव बनाना क्योंकि आगे भी सफ़र पे जाना है. तो थोड़ा तो अभी बस मैं अभी कपड़े धोए हैं थोड़े से और सारा समेटा है, सारा सामान इधर उधर हो गया था वो सारा समेटा है, और बस अभी खाना बनाऊंगी. मतलब अभी पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी और उसके बाद लंच की प्रिपरेशन करूंगी. ऑलरेडी 11:30 हो गए ये तो 11:30 हो गए हैं और बस अभी मैं बस उनके लिए पुलाव ही बनाऊंगी ज़्यादा कुछ. तो ऐसे सामने रख के करती हूँ आज आपसे बात, क्योंकि मुझे करना है बहुत सारा काम. तो अभी फ़ोन आया था एक्चुअली कि वो लगभग मतलब 2 घंटे में पहुँच जाएंगे, 1.5-2 घंटे में, मुझे लग रहा है 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे. तो मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है और इतना गंद पड़ा है, सारी किचन फैली पड़ी है. अगर मैं दिखाऊँ मैं दिखा भी नहीं सकती हूँ इतने बर्तन पड़े अभी करने को ना. तो बस मैं वही करती हूँ. गर्मी बहुत है तो मैंने सोचा चलो कुछ ठंडा ठंडा तरबूज खाएंगे तो मज़ा आएगा. तो बहुत मतलब सच में सर, उन लोगों के लिए बहुत गर्मी है यहाँ पे, हमारे लिए हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं तो इसलिए नहीं रखती है, बट उनके लिए गर्मी है. तो मैंने सोचा ये वाटरमेलन अभी समझ में तो परफेक्ट है, खा के देखती हूँ. बहुत मीठा है और मैंने फ्रिज में रखा था, इतना ठंडा ठंडा, इतना अच्छा लग रहा ना. और किस किस को तरबूज पसंद है बताना, मुझे तो बहुत पसंद है बहुत.
बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए ये। इमोशंस कहाँ कंट्रोल होने थे, इतने दिनों बाद हम मिल रहे थे। इवन एडिट करते करते भी मैं ना रो रही थी। और मम्मा की डेथ के बाद ना, उस वक्त आई थी वो ना, उसके बाद अब आई है। बहुत टाइम हो गया है, 4 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली हो गए हैं, तो इमोशंस तो कंट्रोल हो ही नहीं थे, ऑब्वियस ही बात है। और अर्चना हमें देख रहा था ये कर क्या रही है और हंस रहा था, और बाद में ये खुद रोया जब ये आदिश से मिला है। एंड हियर कम साहिल ऑल्सो, वो इनको लेने गया हुआ था, तो बस ये थोड़ा गाड़ी पार्क करवा रहा था नीचे। मैं आपसे मिल रही हूँ बहुत देर बाद, और हम पहुँच गए हैं बगलामुखी। आदिश पहले ही निकल गया, चला गया था एक्चुअली। मैं उसके बाद से वीडियो नहीं बना पाई थी, आदिश पहले चला गया मोना वगैरह के साथ ही, और फिर हम लोग भी चले आए कि चलो चलते हैं, बिकॉज मंडे को छुट्टी है, तो बस इसलिए हम भी आ गए। और अभी हम बगलामुखी पहुँचे, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। तो काफ़ी लेट पहुँचे हम लोग, 11:30, 11:45 अराउंड हमें हो ही गए थे। घर जाके खाना वगैरह खाया, तो मतलब पापा ने बोला कि नहीं यहीं आके खाना है, तो जाके हुए थे वो लोग भी। तो आदिश भी वेट कर रहा था, अभी तक सोया नहीं था, तो 12 ही बज गए थे अराउंड, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। रात को बहुत थक गई थी, तो कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, और उसके बाद मॉर्निंग में भी बिजी हो गए, तो बस हम लोग तैयार हो गए, ऊपर मम्मी पापा से मिलने आ गए थे, उसके बाद अब उनसे मिल के वापस जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ही घूमने जाना है बच्चों ने, तो यहाँ पे मतलब पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ऐसे सॉर्ट ऑफ पिकनिक बोल सकते हैं, तो बस वहीं लेके जा रहे हैं इनको। और अर्श आदि, अर्श से अब आप ऐसे मिलो पहले तो ढंग से मिले नहीं थे, है ना। तो बस अभी हम जा रहे हैं। और अर्श कैसा लग रहा है इंडिया के? बहुत अच्छा लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। और बस अभी चलते हैं हम, और पहले तो मार्केट जाएंगे, पापा से मिलेंगे, फिर उसके बाद फिर चलते हैं कहीं, पता नहीं कहाँ पे प्लान आउट किया इन्होंने, इन लोगों ने खुद ही किया हुआ प्लान आउट, मुझे नहीं पता। तो बस लेके चलते हैं, जब पहुँचूंगी तो बता दूंगी कि कहाँ जा रहे हैं हम। और गर्मी है यहाँ पे भी, बट स्टिल मतलब वहाँ से तो अच्छा वेदर है यहाँ पे। मम्मा आज हम चलते फिरते मिलने आए, उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं, मम्मा पापा को भी नहीं पता था कि हमारे तो बस पापा गए हुए हैं मार्केट, तो बस अभी हम जा रहे हैं और फिर मिलते हैं। चलो ठीक है मम्मा। तो बस पहले हम जाएंगे पापा के पास, पापा ने बुलाया है हमारी शॉप पे, तो मैं आपको आज लेके चलती हूँ हमारी शॉप पे। तो बस वहीं जाएंगे पहले थोड़ी देर, उन्होंने पता नहीं उन दोनों ने पापा को, पापा ने इन दोनों को बुलाया था कि इनको लेके आना,
तो बस इनको लेके जाएंगे। कोई तो साइड भी नहीं पे, स्कूटी में कहीं जा रहा है, सामने निकलने लगा है बस शॉप के बाहर से। कहाँ जा रहा है? और हम शॉप पे पहुंच गए। पापा ने इन दोनों, ये देखो दोनों पहले पहुंच गए हुए हैं यहाँ पे। और तो ये रही हमारी शॉप। तो मेरे पापा की शॉप जो है वो गुरुद्वारा रोड पे है, मस्जिद वाली गली उतरते हैं जो उसके बिल्कुल वहाँ पे वर्मा ऑर्नामेंट्स के बिल्कुल सामने वाली शॉप है। और बस उसके बाद हम चले गए घर। तो ही और मैं पहुंच गई हूँ घर पे। और यहाँ पे ये रही रूही। रूही हेलो, फॉर्मली मिलो आज मोना से। और इसको तो आप मिले ही हुए हो शालू से बहुत बार। और बस अभी हम बहुत बार अभी हम जा रहे हैं सारे, अभी हम जा रहे हैं पानी में। हाँ हम जा रहे हैं कहीं घूमने। गर्मी बहुत है बाहर, लेकिन थोड़े थोड़े बादल भी हो गए हैं और बादल हो रहे हैं, लेकिन हाँ पानी में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पानी में जा रहे हैं। हाँ तो बाहर ही जाएंगे ना पानी में, बाथरूम में थोड़ी जाएंगे। क्या करेंगे? नहीं। तो हम चल पड़े हैं अभी फिलहाल के लिए। पहले हम जा रहे हैं कुछ खाने, तो पहले कहीं खाने जाएंगे और उसके बाद चलेंगे। और हम मतलब कहीं स्विमिंग करने जाना है बच्चों को, तो हम वहाँ लेके जाएंगे उनको जहाँ पे स्विमिंग पूल होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली नॉर्वलिंगा जाएंगे। तो बस अभी हम चल पड़े हैं खाने के लिए। और हम जाएंगे भागसू नाग नहीं, जो भागसू है कॉलेज रोड पे, वहाँ जाएंगे खाने के लिए। तो ये रही मोना। थोड़ा बहुत कुछ खाने के बाद हम चले गए अब फंकी टाउन। तो फंकी टाउन जाने का प्लान बना है बिकॉज वहाँ पे ना स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, तो बच्चों को वहाँ पे स्विमिंग थोड़ा सा करवा देंगे, इनका स्विमिंग का भूत उतर जाएगा पानी में जाने का। एंड देन उसके बाद सोचा है कि नॉर्थलिंगा जाएंगे। तो ये यहाँ पे है स्टेडियम, और अभी यहाँ पे IPL मैचेस हुए थे और कितना सुंदर व्यू है सामने का। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं कल अपलोड कर दूँगी, होप आपको वो भी अच्छा लगेगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।